हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेकॉन सिविल एकेडमी। आज हम लोग गेट 2018 के जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एंड आंसर सॉल्व करने वाले हैं, राइट? ये सेकंड सेट है, पहले सेट का सॉल्यूशन आप लोगों ने देखा होगा, राइट? ये सेकंड सेट का सॉल्यूशन आज हम लोगों ने लिया है। आप लोगों को पता है हमारी एप्टीट्यूड सीरीज चल रही है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के जो एप्टीट्यूड के कंसेप्ट हैं वो स्ट्रांग हो सके। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग एप्टीट्यूड में वीक नहीं पढ़ना चाहते, राइट? क्योंकि एप्टीट्यूड स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सब लोगों को आना चाहिए, यही हमारी कोशिश है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखिए, जो 2018 में गेट में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन का सेट बी में ये था, a प्लस ए अप टू एन टाइम्स ए स्क्वायर बी है, b प्लस बी अप टू एन टाइम्स ए बी स्क्वायर है। ए बी एन एम आर ऑल नेचुरल नंबर्स, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वॉट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस एम एन टाइम्स n प्लस एन एम टाइम्स, मतलब हमें पूछ क्या रहा है, m n टाइम्स मतलब m इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय n जो है n m टाइम्स n इंटू एन, ठीक है? ये हमें पूछ रहा है निकालने के लिए, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, m स्क्वायर n स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको क्वेश्चन में पूछा हुआ। अब m स्क्वायर कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालते हैं, देखते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है। a इंटू एन, ए की वैल्यू n टाइम्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी गिवन है, b की वैल्यू m टाइम्स इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर गिवन है, राइट? यहाँ से ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, b और b कैंसिल, मतलब आपको n और m की वैल्यू तो मिल गई, n इज इक्वल्स टू ए बी, m इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है? आपको n स्क्वायर m स्क्वायर पूछ रहा है, इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? n स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू a रेस टू पावर 4 b रेस टू पावर 4 आए। बहुत आसान है, तुरंत सॉल्व होने चाहिए, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन, ये वन मार्क्स के क्वेश्चंस थे, राइट? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ थ्री मेंबर कमिटी हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 9 पीपल, ठीक है? 9 पीपल में से आपको तीन मेंबर की कमिटी बनानी है। हाउ मैनी सच डिस्टिंक्ट कमिटीज कैन बी फॉर्म, कितनी डिस्टिंक्ट कमिटीज आप फॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो आप लोगों को पता है कि ये हमारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लेक्चर्स में भी कवर्ड है। अगर आपको 9 में से आपको 9 पीपल्स गिवन है, P1, P2, P3 अप टू P9, इन पीपल्स में से आपको 9 पीपल्स या फिर 9 पर्संस चूज करने हैं, ठीक है? एक बार आपने 9 पर्संस में से 3 पर्सन चूज किया तो उसकी मैं एक कमिटी फॉर्म कर सकता हूँ, तो कितने नंबर ऑफ वे से आप 3 पीपल चूज कर सकते हैं इन 9 पीपल में से, तो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की भाषा में, इट्स 9C3, ठीक है? 9C3 का मतलब क्या होता है, आप 9 में से 3 लोग चुनने की जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, ठीक है, 3 डिस्टिंक्ट पर्सन 9 में से चुनने के लिए टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, इसको 9C3 से डिनोट किया जाता है। और 9C3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज 9 factorial by 3 factorial 6, राइट? इट कैन बी रिटन इन दिस मैनर। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 9C3 की वैल्यू मिल जाएगी 7, 8, 9, ठीक है? इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं, राइट? 3 और ये 4 टाइम्स, तो आपको यहाँ से 28 × 3 आपके पास वैल्यू मिल जाएगी, विच इज़ नथिंग बट 84, तो आपका आंसर बहुत आसानी से 84 आना चाहिए, ठीक है? हार्डली एक मिनट का सवाल है, एक मार्क्स का क्वेश्चन था, ये तुरंत हो जाना चाहिए आपसे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स ए बी सी, वॉट वुड बी द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इफ लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इक्वल टू 0, ठीक है? सिंपल सा लॉग का क्वेश्चन है, ये सारे आपको जो क्वेश्चंस दे रखे एकदम सिंपल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, आपको तुरंत बन जाने चाहिए। आपको लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी की वैल्यू दे रखी है, राइट? आपको ये आइडेंटिटी पता होगी लॉग में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, टेन बेस है इसका 0, ठीक है? किसी भी लॉग का जो एडिशन है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी, ठीक है? यहां से मेरे को यह पता चल गया ए बी सी इज इक्वल टू 10^0, मतलब ए बी सी की वैल्यू 1 आ रही है प्रोडक्ट में, और ए बी सी की कंडीशन क्या दे रखी है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ए बी सी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट 1 है, मतलब ए को भी 1 होना पड़ेगा, बी को भी 1 होना पड़ेगा, सी को भी 1 होना पड़ेगा। ऐसा क्यों, अगर आप ए को 1 से बढ़ाते हैं तो डेफिनेटली सी बात है बी और सी को 1 से कम होना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट 1 के बराबर हो, और बी और सी 1 से कम नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इंटीजर्स हैं,
मतलब ये सारी वैल्यू 1 के बराबर होनी पड़ेगी, और a प्लस बी प्लस सी आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 3 के बराबर आ जाए। बहुत ही आसान सा सवाल था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, तुरंत बन जाना चाहिए आपसे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैं आपको रेकॉन के बारे में बताना चाहता हूँ। रेकॉन हमारा एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप हमारे वीडियो लेक्चर्स ले सकते हैं, और घर बैठे कहीं भी कभी भी किसी भी समय आप हमारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं और नॉलेज गेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देर इज नो नीड टू गो टू द क्लासरूम किसी भी डिजायर्ड टाइम इंटरवल में। आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपना स्टडी का कंट्रोल है वो आप अपने हाथ में रख सकते हैं। राइट, यू कैन वॉच अवर वीडियो एनी नंबर ऑफ टाइम्स टू गेट द कंसेप्ट क्लियर। राइट, इफ यू आर अ काइंड ऑफ स्टूडेंट फ्रेंड्स जो आप गेट, ESC या फिर किसी भी PSUs या फिर कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू कैन हैव अवर पैकेजेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। हमारे पैकेजेस बहुत फ्लेक्सिबल हैं, जो आपको आपके डिजायर्ड गोल के हिसाब से पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड विजिट अवर साइट rconline.in एंड एंजॉय सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग। ओके, सो लेट्स गेट बैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉल्टी वॉल क्लॉक इज नोन टू गेन 15 मिनट्स एवरी 24 आवर्स। इट इज सिंक्रोनाइज टू द करेक्ट टाइम एट 9 AM एंड ऑन 11th July। ठीक है, 11th July में 9 AM पे सिंक्रोनाइज की गई है। फॉल्टी क्लॉक क्यों है ये? क्योंकि 24 घंटे में ये 15 मिनट गेन कर लेती है, ग्रेन कर लेती है, मतलब फास्ट हो जाती है। राइट, ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम टू द नियरेस्ट मिनट व्हेन द क्लॉक शोज 2 PM ऑन 15th July ऑन द सेम ईयर। राइट, तो इस चीज को समझते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 11th July को ये 9 AM पे सिंक्रोनाइज की गई है। राइट, 9 AM इन 11th July। अब यहां पे हम लोग देखते हैं 9 AM 12th July में कितना घंटा पास हो गया, 24 आवर्स। ऐसे करके हम लोग 13th July, 14th July और 15th July की तक मूव कर जाएं तो कितना डेज पास हो गए, इट इज 4 डेज, 24 आवर्स एंड 24 आवर्स। तो ऐसे करके आप 4 डेज पास हो गए, तो इन एक दिन में वो 15 मिनट आगे हो जाती है, तो आप देखिए 4 दिन में 15 into 4 मिनट्स वो आगे हो जाएगी, दैट इज 15 into 4 मिनट्स इज इक्वल टू 60 मिनट्स। मतलब वो 60 मिनट आगे हो जाएगी 4 दिनों में, मतलब 15 जुलाई को जो 9 AM एक्चुअल टाइम हो रहा होगा, राइट, 9 AM एक्चुअल टाइम को वो क्या शो करेगी, 10 AM, क्योंकि वो एक घंटा आगे हो गई है, 60 मिनट्स आगे हो गई। अब क्या बोल रहा है 15 जुलाई को, ये सब मैं 15 जुलाई की बात कर रहा हूं। 15 जुलाई को जब ये घड़ी 2 PM शो करती है, तब यहां पे एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, यही चीज पूछी हुई है। राइट, हमें ये पता है जब ये 10 AM शो कर रही होगी 15 जुलाई को, तो उस समय एक्चुअल टाइम हो रहा होगा 9 AM। ठीक है, तो जब ये घड़ी 4 घंटा आगे बढ़ जाएगी तो एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा, तो ये बहुत आसान है कैलकुलेट करना। ठीक है, हम लोगों को ये पता है कि जब ये घड़ी 1 घंटा आगे बढ़ती है तो एक्चुअल टाइम कुछ पीछे हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये घड़ी आगे बढ़ जाती है। राइट, तो वो कितना पीछे हो जाता है एक्चुअल टाइम, इट इज 15 मिनट बाय 24 आवर्स। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये 15 मिनट आगे बढ़ जाती है 24 घंटे में, तो पर आवर ये कितना मिनट आगे बढ़ जाएगी, वो इतना मिनट आगे बढ़ जाएगी पर आवर, मतलब एक्चुअल टाइम इतना मिनट पीछे हो जाएगा। तो जब ये 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे ही जब ट्रैवल करेगी तो ये कितना मिनट आगे बढ़ जाएगी, कितना मिनट आगे बढ़ जाएगी, आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इट इज 6 15 अपॉन 6, मतलब 2.5 मिनट, 2.5 मिनट ये आगे बढ़ जाएगी 4 घंटे में। तो 2.5 मिनट आगे बढ़ जाएगी, तो एक्चुअली 4 घंटे में जो एक्चुअल टाइम वो कितना पीछे छूट गया, इतना पीछे, 4 आवर्स माइनस 2.5 मिनट्स। ठीक है, तो जब ये 2 PM शो कर रही होगी तब यहां पे कितना होगा, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे 4 आवर्स माइनस 2.5 मिनट्स, इतना मिनट एक्चुअल टाइम हुआ होगा, क्योंकि 10 AM पे 9 AM एक्चुअल टाइम था, जब वो 4 घंटे ट्रेवल कर जाएगी तो वो इतना मिनट पीछे छोड़ देगी, मतलब 9 प्लस 4 1 PM माइनस 2.5 मिनट। ठीक है, ये एक्चुअल टाइम हो रहा होगा, बहुत आसानी से कैलकुलेशन है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1 PM में से आप 2.5 मिनट आप कैलकुलेट कर देंगे तो आपको कितना टाइम हो रहा होगा उस टाइम पे, अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ पे नियरेस्ट इंटीजर का बोला हुआ है,
12 PM 58 minutes, ये उस टाइम पे एक्चुअल टाइम हो रहा होगा, राइट। यही क्वेश्चन में गिवन भी है, आप ऑप्शन में देख सकते हैं, इट इज 12:55 58 PM, राइट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब वो चार घंटे आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो कितना मिनट पीछे छोड़ देगी, इट इज 15/24 × 4, तो इतना वैल्यू कम आएगी। 9 AM में 4 घंटा आप ऐड करेंगे तो 1 बजे से आप 2.5 मिनट कम कर देंगे, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल था, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी, यू कैन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनुअल एवरेज रेनफॉल इन अ ट्रॉपिकल सिटी इज 1000 mm, ठीक है, एनुअल एवरेज रेनफॉल आपको दे रखा है किसी भी सिटी में, वो 1000 mm का है। ऑन अ पर्टिकुलर रेनी डे द 24 आवर पीरियड द रेनफॉल एक्सपीरियंस बाय द सिटी, ठीक है, इज शोन इन द ग्राफ। एक दिन में आप देख सकते हैं क्यूमुलेटिव रेनफॉल, आवर्स के साथ साथ ये वैल्यू बढ़ते जा रही है, 24 घंटे में ये गिवन है। 50% ऑफ द रेनफॉल फॉलिंग ऑन अ रूफ टॉप विच हैड एन ऑब्स्ट्रक्शन फ्री एरिया ऑफ 50 m² वॉज हार्वेस्टेड इन अ टैंक, वॉट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड इन द टैंक इन लीटर्स, ठीक है। सिंपल सा आपको डेटा का क्वेश्चन है, इसको वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। अब ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना ही ईजी है, ठीक है। आपको किसी दिन में रेनफॉल का जो डेटा है वो आपको देखिए, यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, 3 hours में इतना वैल्यू, इतना mm इकट्ठा हो गया, 6 hours में इतना mm इकट्ठा हो गया, शुरू के 9 घंटे में इतना mm इकट्ठा हो गया, 12 घंटे में इतना mm इकट्ठा हो गया, राइट। कोई अगर आप कंटेनर रखते हैं, ये mm इकट्ठा होने का मतलब ये बताता हूँ मैं, ये कंटेनर आपने रख दिया बाहर, ठीक है, अपने गार्डन में जाके रख दिए, आप देखते शुरू के 3 घंटे में इतना वॉल्यूम भर गया, और ये वॉल्यूम कितना है, इसकी डेप्थ जो है यहाँ पे इस वैल्यू के बराबर है। सपोज ये वैल्यू 40 है mm में, तो 40 mm भर गया आपका, ठीक है। आप 6 घंटे बाद या फिर 9 घंटे बाद देखेंगे तो आप देखेंगे 100 mm की बारिश होगी, और इसी तरह से आप 24 घंटे बाद देखेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 24 घंटे बाद आपका कंटेनर जो है वो 300 mm आपको भरा हुआ मिलेगा, ठीक है। एरिया पे डिपेंड नहीं करता ये क्या एरिया है, राइट, ये आपको मेजरमेंट जो है वो हाइट में गिवन है, कोई भी एरिया का आप कंटेनर ले लीजिए। तो इसी तरह से आपको एक कंटेनर गिवन है यहाँ पे 50 m² का, जो रूफ टॉप है 50 m² का, मतलब एक दिन में उस रूफ टॉप में 300 mm की हाइट का पानी भर चुका होगा, लेकिन हार्वेस्ट कितना कर रहे हैं आप, 50% ऑफ द रेनफॉल फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप, इतना ही हार्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर 300 mm का पानी भर चुका है इस 50 m² एरिया के रूफ टॉप में, तो हार्वेस्ट सिर्फ 150 mm ही हो रहा है, ठीक है। इतना हाइट आपने हार्वेस्ट कर लिया, एरिया आपके पास 50 m² है, तो एक दिन में वॉल्यूम आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.15 × 50, ये मीटर क्यूब में आपने वॉल्यूम हार्वेस्ट कर लिया एक दिन में, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7.5 m³, ठीक है। आपको यहां पे लीटर्स में बोल रखा है टैंक में पानी कितना भर जाएगा, इट इज 7500 liters, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 m³ में 1000 liters होते हैं, राइट। तो ये आपको वॉल्यूम एक दिन में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोला ना जितना लंबा क्वेश्चन होता है उतना ही इजी होता है उसको सॉल्व करना, ठीक है, राइट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एप्टीट्यूड का सेशन गेट 2018 के सेट बी का, ठीक है। जो क्वेश्चन सेट बी और सेट ए में रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे आपने सेट बी में कम क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू रेकॉन सिविल एकेडमी एंड एंजॉय सिविल इंजीनियरिंग लर्निंग, थैंक यू।